योगी बाबा योगी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, ऑफकोर्स आएंगे। उन्होंने अयोध्या में ये सब करवाया, ऊपर से फिल्म सिटी का निर्माण जेवर में करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काफी उन्होंने तरक्की करवाई है। तो जहाँ तक औरों का, फिर उन्होंने ये कोविड के समय में भी देश को काफी एक साथ एक जुटाव लेके चले थे, फ्री में वैक्सीनेशन भी लगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है जरूर से जरूर ही आएंगे, अगर जो बुद्धिमान है वो तो देंगे, और बाकी जो पैसे के पीछे भागेंगे स्वास्थ्य से, पहले उनके लिए लॉकडाउन था तो उनको लगता है कि लॉकडाउन में सारे पैसे योगी जी ने कमाए, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको बचाने के लिए वो भी घाटे में ही थे। लेकिन अब जो अगर पैसे के पीछे भाग रहा होगा उसे तो लगेगा कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर देश की तरक्की के पीछे जो इंसान जाएगा उसके लिए तो योगी जी ही आएंगे। अखिलेश मायावती, उनके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ जी। सोचे हमारी सोचे पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से, मतलब जनता खुश है, बहुत खुश है, हाँ बहुत ज्यादा ही। योगी जब खुद प्रधानमंत्री बने तो ये भारत संविधान का एक अलग ही महत्व बनेगा। मुसलमान कहीं जाना है तो बाबा के साथ में है, सारे सब बाबा के साथ, सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, बाबा इधर पर कोई ना है, सभी तो आएंगे, ये सब देख रहे हो काम ही तो हो रहा है, सारा काम ही तो हो रहा है, देखो ना चारों तरफ से बैठने के लिए स्टैंड नहीं रहा, स्टैंड बन रहे, देख रही हो, इनको भी सब दिखाइए काम हो रहा। मायावती तो बेकार है, योगी जी सही है, उनका बाबरी मस्जिद बना हुआ है, राम मंदिर क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बनना चाहिए, जब उनके मस्जिद से हमको कोई खिलाफ नहीं है, हमको कोई खिलाफ सिखवा नहीं है, तो मस्जिद मेरा मंदिर क्यों नहीं बनेगा, और वैसे अच्छा काम वैसे को आना चाहिए, अगर वो अच्छा काम करेंगे। सुनिए और सुनिए, अगर इतना दिन जो ये चला है ना काट छाट, ये इसी मंदिर मस्जिद के चलने, पहले तो इंसानियत देखिए आप, हम भारतवासी हैं, आप भी मुस्लिम हैं, आपको भी मस्जिद मिला ना है, तो जैसा भी बना मिला ना, तो हम अगर आ गया मेरा अवस्था हम भी मंदिर बनाएंगे ना, मुझे भी जगह मिला है ना, तो आप मंदिर बनाने क्यों नहीं दे रहे, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं, नहीं तो मना भी नहीं, कि यूपी में योगी का कोई विकल्प दिखता है, दिखता है, क्योंकि योगी जिस तरीके से काम करके उनका कोई विकल्प दिखता है 2022 में क्या नहीं, विकल्प तो है, उनको तो आना चाहिए एक बार फिर आना चाहिए, बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल 100 नहीं 110%, हम तो वोटर ही है उसका, हम इसलिए बोलेंगे, हम मुँह के ही बोल रहे हैं, खोल के ही कैमरे बोल रहे हैं, हम वोटर ही है बीजेपी के, अब आप इसको जो मतलब में बांट ले या जैसे ही बांट ले, लेकिन हमने भी मेरा बाप दादा भी कांग्रेसी था, काम के होते रहे, मेरा बाप दादा भी कांग्रेसी था, हाँ कांग्रेस को ही वोट दिया गया, काम के होते रहे, लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ अच्छा बुरा देखे, हमें जब नहीं मिला उस अवस्था में, तो हम तो अपना रास्ता चुनेंगे ना, हमने चुन लिया। योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे थे भाई? हाँ आएंगे पूर्ण बहुमत से, क्यों है? इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं प्रदेश में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे ये लोग, उनके सपा के समर्थक है ना इसलिए, हाँ तो मतलब क्या लगता है सर, क्या काम किया, गुंडा राज खत्म हो रहा है, गुंडा राज पूरा खत्म हो गया है, ये लोग दोबारा बुलाना चाहते हैं। अच्छा जब कोर्ट की छुट्टी हो रही है क्या? हाँ जब कोर्ट की छुट्टियाँ हो रही क्या? तो मतलब 2022 में वो आ सकते हैं पूर्ण बहुमत से आएंगे। अच्छा अखिलेश यादव क्यों नहीं मायावती? अरे ये लोग बहुत पीछे है, इनकी गणना भी नहीं है, ये तीसरे चौथे स्थान में पहुंचेंगे देख लेना। ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी, इनका कहाँ नाम आ रहा है, इनके तो गिनती में लिस्ट में भी नाम नहीं है, उनका लिस्ट में भी नाम नहीं है, ना लिस्ट में भी नाम नहीं। अच्छा वो उनका ये बयान भी आया है कि मुस्लिम नेता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, कोई बहुत देर नेता है यूपी में, कम नहीं है, एक वो आए तो आजम खान, जिनका बैनियाँ ढूंढवाओ कर रहा था चलाओ तुम, पुलिस ने बैनियाँ ढूंढवा था, पुलिस वाले ड्यूटी करने जाते तो बैनियाँ ढूंढवाते रहते हैं, और थाने में ना ड्यूटी देके खाने में ढूंढते हैं भाई, वो ड्यूटी थाने में लग के वहाँ पे ढूंढते हैं ऊथर में जाके, मतलब योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी पूर्ण बहुमत से आएंगे। बताओ अगर इनकी बैनियाँ खुली आए तो जो स्वयं ढूंढ सकते हैं भाई, किसी ना किसी को ये सहयोग लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ? हम भैनिया रखते ही नहीं, क्यों नहीं रखते हो ना? अरे ऐसी बात ही नहीं भैया, अब लोग भैया खरीद ही नहीं भाई, उनका जो समर्थक आए अगर है, मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, तो फिर उनको जो हक है तो फिर तो उनमें जुड़वाएंगे,
तुम क्या गांव वालों के नहीं समर्थक लेते हो, तो उनने लिया समर्थक, इतने क्या कहने वाली है? अखिलेश यादव मायावती बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। मैम किसी की अपनी अपनी इनकी सोच है कि भाजपा है, लेकिन हमारी सोच है कि भाजपा नहीं आनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, इनकी सोच है भाजपा नहीं आनी चाहिए? इनकी सोच है, हमारी सोच है पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से। मतलब जनता खुश है? बहुत खुश है, हाँ बहुत ज्यादा ही। एजेंडा वो ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे भाजपा का एजेंडा है वो, तो हमारी पार्टी का एजेंडा कुछ नहीं है वो तो हम, वो तो भाजपा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कुछ नहीं, कुछ नहीं देगा मुस्लिम उसको। हम वहाँ देख ली क्या हुआ बंगाल में, दिया मुस्लिम ने किसी को? मुस्लिम बंगाल में दिया मुस्लिम ने किसी? अब मुस्लिम कहाँ किसको दे रहे नहीं, लेकिन हालात नहीं लगते कुछ कर पाएगा। हाँ जी, बस वही है कि विकल्प योगी जी का कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई मायावती जी के हैं, अखिलेश जी के हैं, ओबीसी कहें या तुम्हारे प्रियंका गांधी के हैं, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। योगी जी आएंगे? क्यों योगी जी? योगी जी के काम बढ़िया हैं, सुविधा बढ़िया दी है योगी जी ने सारी यूपी के लिए। और कोई नहीं टिक पाए? नहीं टिक पाए, कोई नहीं टिक पाए, कोई नहीं टिक पाएगा, ए टू जेड कोई भी आए, सिर्फ योगी जी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने, शिक्षा के लिए, रोडों के लिए, सब यानी कि हर चीज़ के लिए, ए टू जेड जो भी है सारे काम बढ़िया किए इसीलिए। अच्छा, वो वैसे जी कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री एक मुस्लिम नेता होना चाहिए? नहीं नहीं, कोई नहीं। क्या कहेंगे आप? अरे तो जो कह दिया सर जी ने वही ओके। क्या ओके? योगी जी के लिए कह रहे हैं भाई, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? कहाँ से सर? मैं यहीं से ही हूँ। क्या लगता है अगले साल चुनाव है, योगी जी आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। नहीं, गुस्से में नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। यूँ नहीं आ रहे कि अब योगी जी से पेट भर चुका। कौन? अखिलेश मायावती? अखिलेश जी। क्या नाम है सर? मुकेश। मुकेश, मुकेश। ये यूपी के रहने वाले? यूपी से ही। क्या लगता है अगले साल चुनाव है, कौन आ रहा है? देखो है तो वो कन्फर्म नहीं, मगर योगी जी ने जाना चाहते हैं। योगी जी ने ऐसा क्या कहा? काफ़ी यूपी में बहुत सारे हाईवे चल रहे हैं, काम भी है, ऐसा नहीं है कि पहले से करप्शन भी कम है। तो जनता चाहती है अगला मुख्यमंत्री योगी जी, योगी जी, योगी जी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी नाथ बाबा जी। अच्छा एक बात बताइए, वो वैसे ही बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता है, मुसलमान कहीं नहीं जाना है, तो बाबा के साथ में है सारे, सब बाबा के साथ, सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, बाबा के साथ कोई ना है। ताली बजा रहा हूँ इस बात के। अपने भारत में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ये सब यहीं रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और सब एकता में हैं। ये मजहबी लोग जो हैं इनको भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन उनको सच्चाई पता चल जाता है फिर बाद में वो अपनी जगह ही आ जाते हैं। यूपी में चुनाव है अगले साल, क्या लगता है योगी जी वापस आ रहे हैं? उन्होंने कुछ काम किया है? नहीं, काम तो किया है और मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, वापस जरूर आएंगे। जनता देखिए तो ज्यादा, हाँ बिल्कुल जी। ना पूछ, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं यूपी के लिए, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, और क्या चाहिए पब्लिक को? अखिलेश मायावती? मायावती अखिलेश कुछ नहीं, हम तो योगी जी के बस हैं। योगी जी, हाँ जी। क्या काम, ऐसा क्या काम कर दिया योगी जी? पूरे क्या नहीं, पूरे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए, हर घर के लिए लेटिंग हो गई, गैस कनेक्शन हो गया, रोड हो गए, विद्युतकरण हो गया, और ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या लगता है जब सपा का राज था तब गुंडा राज था, तो मायावती और अखिलेश वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तीन सौ पार आएगा? अखिलेश का अच्छा शासन था जी। अब योगी राज में लोग खुश हैं? खुश तो हैं, खुला हुआ बूट है यहाँ। क्या कहेंगे? अब कोरोना की वजह से तो सब परेशान हैं, उनमें तो किसी का कोई वो नहीं हो, तो आम पब्लिक के लिए जो भी निकलने हैं नियम से आम पब्लिक के लिए निकलने हैं, तो परेशानी तो थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा, तो परेशानी तो सब हम लोग को झेलने हैं, झेलने पड़ेंगे, तो आप उसमें क्या कर सकती है सरकार? तो जनता ये चाहती कि योगी जी, हाँ जी हाँ जी, योगी को अगले साल चुनाव में वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ दे रहे हैं दोबारा। अखिलेश यादव मायावती क्यों? अखिलेश भी बढ़िया, काम करना है।
बहुत कुछ किया है। तो अगले साल कौन आ रहा है? भाई सबकी अलग अलग राय होती है, जिसके संग नहीं हुआ उसके संग। हमारे हिसाब से योगी जी का ही काम है, यूपी में तो बढ़िया चल रहा है। मतलब यूपी में गुंडा राज खत्म हो रहा है? बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म हो रहा है? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन और राज तो बाकी बढ़िया है। काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, यूपी के अंदर बहुत काम हो रहा है। बहुत कुछ काम हो रहा है, सारे रोड है, वोड है, शौचालय वगैरह, लाइटिंग सारे काम चल रहे हैं बढ़िया। अखिलेश मायावती का? अखिलेश मायावती है ठीक है, इस समय तो ये बढ़िया काम सारे काम की है। गरीब आदमी को शौचालय दे हैं, गैस सिलेंडर दे हैं, और किसान आदमी सुविधा करी है। मायावती अखिलेश की? अरे उन्होंने भी काम किया है, पर जनता के हक में तो योगी जी भरे हैं। योगी जी